कोई करने आ रहा था। यादव की बेटी हो, अपने घर को गोबर से लिपना अच्छे से जानती हो। सो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं ये येलो वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ। हमने डिसाइड किया है, मतलब मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया है कि आ जाना, हम सब लोग एक ही कलर का ड्रेस पहनने वाले हैं। सो मम्मी, पापा, चिक्कू और कृष्णा और मैं, हम सब लोग है ना येलो कलर ही पहनने वाले। वैसे बताओ ये वाला घाघरा कैसे लग रहा है आप सब लोगों को? देखो हमारा मंडप भी येलो कलर का है। सो अभी यहाँ पर है ना मम्मी पापा को आहेर दे रहे हैं। आहेर मतलब मम्मी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं मम्मी? शगुन बोलते हैं। शगुन, हाँ शगुन दे रहे हैं, दे रहे हैं। तेरे मम्मी का कल्याण इन्होंने किया था मालूम क्या? हाँ मेरी मम्मी का कल्याण इन्होंने किया था, तो ये मेरी बड़ी नानी हुई। जो इधर का मंडप लगना बाकी है ऊपर का, ये भी अभी लग रहा है। देखो ये सब लोग काम कर रहे हैं। हाँ तैयारी चल रही है। हम राजस्थान के हैं, खाना बनाने वाले। अच्छा आप राजस्थान के होंगे? फिर तो आप एकदम बढ़िया सा खाना बना लोगे। मम्मी पापा ने गृह प्रवेश का पहला मान दिया दादा दादी को। उनके बाद खुद ग्रह प्रवेश किया। आज भी घर के सारे बड़े डिसीजन मेरे पापा मेरे दादाजी पे छोड़ते हैं। सो इससे हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, उनकी जगह हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए। आती है हमारी रसोई पूजा की। रसोई पूजा में ना चूल्हा जलाया जाता है, फिर दूध उबाल के उसको गिराया जाता है। नारायणी नमस्तुते। छोड़ दो हाँ। तो हमने जो हैदराबाद से कृष्ण भगवान की मूर्ति लाई है ना, उसकी अभी पूजा कर रहे हैं। हाँ उसकी पूजा कर लेंगे ना अभी। अभी कृष्ण भगवान अपना चेहरा दिखाएंगे। हाँ यादव जी अभी हमको उनका चेहरा दिखाएंगे। वो भी यादव जी है ना? हाँ फिर कृष्ण भगवान यादव है ना उनका सरनेम भी। और उनका चेहरे का दर्शन करके हमारे सब खुशी आ जाएंगे हमारे पास। So, पूजा और हवन एकदम अच्छे से हो चुका है। और हाँ ये जो येलो वाला ड्रेस है ना मैंने पूजा और हवन के लिए लिया था, मतलब मैं उसी में इसको पहनूंगी। अभी शाम को मैं कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। गुलाब जामुन बन रहे हैं, यहाँ पे सब्जियाँ कट हो रही है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। वाव देखो कितने मस्त मस्त गरम गरम गुलाब जामुन बन रहे हैं। मस्त अंकल कितने मस्त गुलाब जामुन बना रहे हैं। ये देखो ये है तैयार हुए गुलाब जामुन। कांदा फ्राई कर रहे हैं, मटर पनीर की ग्रेवी है। तो ये कांदा फ्राई कर
आ गए मटर पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए। हाँ कर देखो इतने सारे बच्चा के जमा हो गए, वो देखो वो भी आ रहे उधर से। सब देखो बच्चे अभी खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना होने के बाद में बताना कि खाना कैसा लगा, ठीक है? अच्छा तुम्हारा आवडता? मम्मी तुमच्या साठी टाकत द्यायला तर रोज हम बच्चों को खाना खिलाने वाले हैं। सो जैसे ही बच्चों का खाना हो जाता है फिर हम सब लोग बड़ों को खाना खिलाने वाले हैं। तब तक मैं ना रेडी हो जाती हूँ। देखो बच्चा पार्टी खाना खा रहे हैं। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखो। और हाँ अभी है ना, क्या करते हैं पापा? अभी दीवार पे पंजे लगे हैं। चलो आ जाओ। अच्छा मम्मी चलो, अभी दीवार पे पंजे लगने वाले हैं मम्मी के। दोनों हाथ लगा, ऐसा हाथ में लगा दें, ऐसा। हाँ चलो आ जाओ। किचन में चलो। ग्रेट जॉब, चलो किचन। तेरे हाथ लग गए मेरे घर को, मेरा घर सुखी हो गया। किचन में कभी खाना कम नहीं पड़ेगा, तेरे हाथ लग गए। आ जाओ, सुख शांति रहेगी एकदम यहाँ पे। तो जैसे ही मैं बाहर निकली मैं हैरान हो गई, मुझसे मिलने के लिए इतने सारे लोग आए थे, मतलब इतना सारा प्यार। दीदी के फैंस, हाय दीदी, हाय हाय। चिको चिको जा, मेरे को नहीं फोटो वीडियो खींचाना, जा मेरे को खींचना ही नहीं है फोटो, मुझे देखना ही नहीं है। ऊपर सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे, इतने सारे लोग खाना खा रहे, मुझे कोई खाना ही नहीं खिला रहा। नहीं 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 नहीं, मुझे फोटो खिंचाना ही नहीं है, नहीं खिंचाना ही नहीं है, मुझे फोटो ही नहीं खिंचाना। कॉन्ग्रेट्स घर लेने के लिए, दादाजी को भी कॉन्ग्रेट्स। और आपको घर कैसा लगा? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो ये सब बाबा की खास फ्रेंड है। मेरी दादी की जो बहन है ना, सॉरी मेरी दादी की जो बहन है वो भी आ गई है, मौसी। ये है मेरा छोटा सा भाई। हाय, कितना क्यूट है देखो। तो मेरी फ्रेंड दीक्षा आ गई है। हाय, लंबी गई की हील पहन के आ गई है। हाय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू, कुछ भी नहीं दिया है मैंने। आंटी हेलो हेलो।
मेरे लिए फेवरेट फोटो आया है। देखो खोलो। छत्रपति शिवाजी महाराज का लोगों ने खाना खाया है। अभी है ना रात के 11 बज रहे और अभी मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। कब आएगा पता नहीं खाना। खाना भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है। बहुत टेस्टी खाना था सोनल जी, खाना इन्होंने ही बनाया है। बहुत अच्छा था, एकदम बढ़िया बना है। सो मैं आ गई हूँ मेरे रूम में और मैंने खाना खा लिया है। अभी मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ लेकिन है ना मुझे आज मज़ा भी बहुत आया। मतलब फाइनली हमारे न्यू घर का गृह प्रवेश और वास्तु शांति हो गई एकदम अच्छे से। सुबह की पूजा फिर बाद में हवन, एकदम अच्छे से परफेक्टली सब कुछ हो गया है। और अभी मैं ना जल्दी से सो जाती हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही है ना, बहुत थक चुके हैं हम। और हाँ, ये जो इतने सारे गिफ्ट्स हैं ना, ये तो आधे ही है, उधर के रूम में भी आधे गिफ्ट्स हैं। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं ना मैं अनबॉक्स करूँगी कल सुबह, क्योंकि अभी नहीं कर पाऊँगी, मेहमान भी है सो, और मुझे नींद भी आ रही है। तो ये सारे गिफ्ट्स अनबॉक्स होंगे कल सुबह। सो तब तक के लिए गुड नाइट आप सभी लोगों को।